नमस्कार, आप देख रहे हैं आज प्रकाश टीवी। मैं अलीशा जुनेजा आपके लिए लाई हूं पांच राज्यों की बड़ी खबरें। ननकाना साहिब से चलकर अंतर्राष्ट्रीय नगर कीर्तन चंडीगढ़ पहुंचा। पंचकुला में दोस्त ने किया दोस्त का बहरैनी से मर्डर। इंग्लैंड में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का भव्य समापन किया गया। हरियाणा पूर्व मुख्यमंत्री ओपी चौटाला की पत्नी स्नेहलता का निधन हुआ। दिल्ली में रविदास मंदिर तोड़ने पर कल होगा पंजाब बंद। रेलवे ट्रैक पर चूहों से निपटने के लिए अमृतसर रेलवे तैयार। हिमाचल कांस्टेबल भर्ती में परीक्षा देते फर्जी युवक गिरफ्तार, परीक्षा रद्द। मनाली में पैराग्लाइडर क्रैश होने से हैदराबाद के डॉक्टर की मौत। दिल्ली में मंगलवार से शनिवार तक बारिश होने के आसार। सीबीएसई ने बोर्ड परीक्षाओं की फीस 750 से बढ़ाकर की 1500। अब खबरें विस्तार से। गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश पर्व को समर्पित 1 अगस्त से श्री ननकाना साहिब से चला अंतर्राष्ट्रीय नगर कीर्तन रविवार चंडीगढ़ पहुंचा। संगत ने पुष्प वर्षा कर नगर कीर्तन का स्वागत किया। बता दें कि चंडीगढ़ नगर निगम ने गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश उत्सव को पूरा साल मनाने का फैसला लिया है। पंचकुला सेक्टर 3 स्थित ताऊ देवीलाल स्टेडियम के पीछे गेट के पास सेक्टर 26 निवासी गगन का बेरहमी से दोस्त ने मर्डर कर दिया। गले, सिर और हाथ पर दरांती से 37 से ज्यादा वार किए गए। मर्डर करने के बाद दरांत को कुछ ही दूरी पर बनी झाड़ियों में फेंक कर आरोपी फरार हो गया। पुलिस की अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में सामने आया है कि शिबू बहन के लापता होने पर बहुत ज्यादा परेशान था और उसको अपने दोस्त पर शक था। इंग्लैंड में 3 दिवसीय इंटरनेशनल गीता महोत्सव रविवार को गीता की महक फैलाकर संपन्न हो गया। महोत्सव हिंदू, सिख व ईसाई एकता व भाईचारे का प्रतीक बना। आखिरी दिन वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे गूंजे। इसमें जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने पर मुख्य पार्टी वक्ता सांसद बॉबल बैकमैन ने भारत को बधाई दी। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला की पत्नी स्नेहलता चौटाला का रविवार रात 8:30 बजे मेदांता अस्पताल में निधन हो गया। उन्हें पेट में संक्रमण और सांस लेने में परेशानी के बाद शनिवार रात को अस्पताल में दाखिल कराया गया था। दोपहर बाद 3 बजे उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की पेरोल के लिए भी परिवार प्रयास कर रहा है। इस संबंध में जेल प्रशासन को सूचना भेज दी गई है। मालूम हो कि ओम प्रकाश चौटाला और उनके बड़े बेटे अभय चौटाला जेपी शिक्षक भर्ती घोटाले में तिहाड़ जेल में सजा काट रहे हैं। नई दिल्ली के तुगलकाबाद में श्री गुरु रविदास जी का प्राचीन मंदिर तोड़ने के खिलाफ पंजाब में आंदोलन तेज हो गया है। ऑल इंडिया धर्म मिशन ने 13 अगस्त को पंजाब बंद का ऐलान किया और 15 अगस्त को काला दिवस मनाने की अपील की। जालंधर, कपूरथला, पटियाला, फतेहगढ़ साहिब, रोपड़, फिरोजपुर आदि जिलों में दूसरे दिन भी प्रदर्शन किए गए। स्टेशन परिसर में ट्रैक पर घूमने वाले चूहों का इलाज करने के लिए रेलवे ने इंतजाम कर दिया है। इसके लिए BPSR नाम की एजेंसी को ठेका दिया गया है जो कि ट्रैक पर घूमने वाले चूहों को ख़त्म करेगी और साथ ही ट्रैक पर बनाए जाने वाले बिलों को भी भरेगी ताकि कहीं से भी ट्रैक कमजोर ना हो सके। हिमाचल पुलिस ने कांस्टेबल भर्ती में दूसरों की जगह लिखित परीक्षा देते 6 युवकों समेत 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसके बाद सरकार ने रविवार रात को पूरे प्रदेश में लिखित परीक्षा रद्द कर दी है। CID और कांगड़ा पुलिस ने रविवार को 7 युवकों प्रो और सत्संग भवन परीक्षा केंद्र में पकड़े। इनमें 6 शातिर हरियाणा और उत्तर प्रदेश के सॉल्वर हैं जो दूसरों की जगह परीक्षा हॉल में बैठ गए थे। हिमाचल के मनाली में शनिवार को जमीन से करीब 300 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भर रहा एक पैराग्लाइडर क्रैश हो गया। हादसे में हैदराबाद के रहने वाले एक डॉक्टर की मौत हो गई जबकि पायलट की हालत गंभीर है। पुलिस ने मामला दर्ज कर हादसे की जांच शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक हवा में उड़ने के कुछ देर बाद ही पैराग्लाइडर अनियंत्रित हो गया और जमीन पर गिर पड़ा था। राजधानी दिल्ली में बारिश का इंतजार कर रहे लोगों को जल्द राहत मिल सकती है। मंगलवार से अगले 3 दिन तक दिल्ली में झमाझम बारिश की संभावना है। हालांकि रविवार को लोग गर्मी और उमस के कारण बेहाल रहे। CBSE ने बोर्ड परीक्षाओं की फीस बढ़ा दी है। देश भर में सामान्य वर्ग के छात्रों को 750 रुपये की जगह 1500 रुपये देने होंगे जबकि दिल्ली के CBSE स्कूलों में SC/ST वर्ग के छात्रों के लिए 10वीं-12वीं बोर्ड परीक्षा शुल्क 50 रुपये से बढ़ाकर 1200 रुपये कर दिया है। 10वीं बोर्ड परीक्षा के लिए छात्रों को 9वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा के लिए 11वीं में पंजीकरण कराना होता है। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।